बड़वानी जिले के जुलवानिया में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कलेक्टर खुद सड़क पर उतर आए हैं। जुलवानिया सहित पूरे जिले में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सब्जी, फल, दूध और किराना दुकानें बंद कर दी गई है। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर FIR दर्ज कर चालानी कार्यवाही की जाएगी। जुलवानिया से रवि महाजन की रिपोर्ट। सर, क्या पूरा जिला बंद रहेगा? संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा? जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का मतलब है जनता कर्फ्यू। जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं, जो कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि एक बाइक पर एक व्यक्ति जाएगा, वो भी आवश्यक काम होने पर। कोई बीमार है, दवाई लेना तो जाएगा। ऐसे ही फोर व्हीलर कोई वाहन है, उसमें एक ड्राइवर के अलावा दो लोग और बैठ सकते हैं, लेकिन वो भी कोई इमरजेंसी होगी, केवल बीमार लोगों हैं उन्हीं के लिए रहेगा। तो जो लोग इस तरह का इसका उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब नहीं छोड़ा जाएगा। जिले में कोरोना की स्पीड लगातार बढ़ रही है, लोगों को बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहा है। इसलिए मैं और SP यहाँ पर पूरे जिले की पूरी टीम आज दौरे पर है, और यदि कोई अभी भी नहीं समझेगा तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भी भेजा जाएगा और धारा 188 का प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर की बहुत जरूरत है क्या? यहाँ पर जुलवानिया में छात्रावास में क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है क्या? क्वारंटाइन सेंटर हमारे पास में 2-3 जगह जिले में बने हुए हैं। बड़े बड़े जामली है, खेतिया है, और इसमें बड़वानी में DDRC में है। बाकी ये कोविड सेंटर जो छोटे छोटे 5-5, 6-6 पंचायत बीच में बनाए हुए हैं, क्योंकि अलग से कोविड सेंटर बनाने के लिए पूरा सेटअप, डॉक्टर्स, HR लगता है, वो हमारे पास में जिले में समस्या है। तो अभी हम लोग इसका विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो बिना स्टाफ के कोविड सेंटर नहीं चल सकता है। अभी जो भी कोविड सेंटर भर्ती होगा, उसको डॉक्टर भी लगेगा, दूसरा स्टाफ भी लगेगा। सर, पिछले लॉकडाउन में एक सालखेड़ा में कोविड सेंटर था, सर उसको वापस चालू किया जाना चाहिए ऐसा? नहीं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, पर अभी हमारे पास में इस समय, पिछली बार जो कोरोना की स्पीड थी और इस बार बहुत अंतर है। पिछली बार बहुत कोरोना के पेशेंट कम थे, और अभी कोरोना के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और पेशेंट ही नहीं बढ़ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की समस्या है, उनको डॉक्टर के लगते हैं। तो यदि व्यवस्थाओं को फैलाएंगे तो उनको इलाज नहीं मिल पाएगा। सर, जुलवानिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक एम्बुलेंस, वो भी ऑक्सीजन युक्त, तो सर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो वो तो इलाज करने की व्यवस्था सब जगह है ही। जो है जहाँ पे हमारे PSC CSC है, वहाँ सब इलाज कर रहे हैं। कोविड सेंटर अलग होता है, कोविड सेंटर के अलग से स्टाफ देना पड़ता है। अस्पताल में सभी व्यवस्था हम लोगों ने कराई है, और जो अस्पताल में आते हैं उनका इलाज करते हैं, जो रेफर के लायक हैं उनको वो रेफर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।